और उठ के आपको या कभी वजीरों को रहनमाई फरमाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सेक्रेट हम सब का मुश्तरका है, उनको इस तरफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, ये आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, पिछले 10 महीने से आपने इस हाउस की हालत देखी है, संजीदगी का जहाँ तक ताल्लुक है किसी मामले को संजीदा नहीं लिया गया है, चाहे वो खुशहाली के हवाले से बात थी या फिर फ्लड्स जब आए उसके हवाले से बात थी, इस फ्लड्स में लोगों के कितने नुकसान हुए थे उस हवाले से कोई मसला हल नहीं हुआ। फिर ये अपोजिशन को इन्होंने एक मजाक समझ के उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले 3 महीने में 3 दफ़ा हमें कहा गया कि आप स्कीम बना के भेज दें DC के थ्रू, रातों रात एक एक रात में हमारे साथी भागते रहे, DC साहिबान को स्कीम देते रहे, तीसरे दिन फिर हुक्म आ जाता है कि नहीं जी ये कैंसिल है, अब दोबारा देखा जाएगा। और आज के ये इजलास जो है इसकी अहमियत इसलिए है कि बजट सर पे है, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट इस बजट को खुश असलूबी से पास कराना चाहती है या वहाँ यही हालत जो बाकी असम्बलियों में है वही बनाना चाहती है। हमारी तो यही कोशिश रही है शुरू से कि इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाए और बलूचिस्तान की जो रवायत है उसको बरकरार रखा जाए, एक दूसरे की इज्जत की जाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं हमारे तारिक भाई साहब वो हमारे ही समझे साथी हैं, उनकी सोच भी न्यूट्रल है, वो बलूचिस्तान की तरह सोचते हैं, एक वो हमारी बहन बैठी है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। मालूम यही होता है कि नवाबजादा साहब को भी इन्होंने मशवरे में शामिल नहीं किया है। तो इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, इस हाउस को इस तरह, ये दुनिया में शर्मिंदगी की बात है कि अपोजिशन पूरी मौजूद है, अपोजिशन हाउस है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई तशरीफ नदारत वाली बात है। तो मैं समझता हूँ अगर यही हालत रही है तो क्यों ना इस असम्बली के दोबारा ही इलेक्शन कराए जाए। अगर यही हालत है इसी तरह हमने 10 महीने में तो एक सुई के जहाँ से धागा गुजरता है उस हवाले से भी पूरे बलूचिस्तान में किसी भी हवाले से कोई डेवलपमेंट स्कीम हमें मालूम नहीं है कि हमें दिया गया हो। अपॉइंटमेंट्स के हवाले से 10 महीने हो गए, एक भी चपरासी नहीं लगाया गया है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट है या ये वो उदार के अंजाम वाली दुकान है, ये क्या मसला चल रहा है। तो जनाब वाला आप इस छुट्टियों को सब यहाँ मौजूद है, किस किस की छुट्टी मंजूर करेंगे और क्यों करेंगे हम? इसलिए कि इनकी जिम्मेवारी है, अपोजिशन अगर कुछ भी करे तो हमारा तो ये रविश यही है कि गवर्नमेंट की रहनमाई करे, गवर्नमेंट के कोताहियों की निशानदेही करे, उनकी गलतियों को बताया जाए, उनकी कैपेसिटी को चेक किया जाए कि उनके ब्यूरोक्रेसी का और उनके वज़रा की क्या कैपेसिटी है और क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही गायब हो जाए, भाग जाए, तो ये समझ में नहीं आता कि आज इन्होंने यानी मुश्तरका तौर पर कोई ये सोच के नहीं आ रहे हैं कि मुस्तफ़ी होना चाहते हैं, गवर्नमेंट छोड़ना चाहते हैं, इस हाउस को नहीं चलाना चाहते हैं, या इस हाउस को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। दुनिया की किसी असम्बली में भी तो ये पार्लिमानी तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि असम्बली में अपोजिशन तो बैठी हो और गवर्नमेंट जो है तशरीफ नदारत वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी तरफ से एक रूलिंग आनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से फिर वो सेक्रेटरी साहब आप लोगों को रूलिंग देने ही नहीं देते हैं, कोई ना कोई रूल फूट सामने आपके रख देते हैं। पिछले आपके 2-4 रूलिंग्स आज एजेंडे पे भी है, QDA के हवाले से, BDA के हवाले से जो उनकी मुलाजमीन की रूलिंग थी उसका क्या बना, 2-3 रूलिंग और इस चेयर से आई है, चेयर का भी मजाक बनाया जा रहा है, अपोजिशन का भी मजाक बनाया जा रहा है। तो इस तरह ये मजाक बना के मैं समझता हूँ उसको चलाना ये बहुत गैर मुनासिब बात है, गैर संजीदा बात है, और इस तरह न हाउस का वक्त ज़ाया किया जाए, न मौजूद अराकीन का वक्त ज़ाया किया जाए, न ये मुफ्त में जो TDA फिर तकसीम आप करते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, न वो गवर्नमेंट के एक चक्कर पे बोझ डाला जाए। आपकी तरफ से रूलिंग चाहिए, गवर्नमेंट के वज़रा की तरफ से उम्मीद है कि चेयर अपना पावर इस्तेमाल करके सेक्रेटरी साहब को सुने बगैर तो ये मामला को निपटाएंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब।